Hello everyone. The topic for today is pledge upon. In the last video, we were discussing bailment. Pledge is also a kind of bailment. Bailment is a contract where one party delivers something to the other party. The party who delivers is bailer, and the party to whom the goods are delivered is bailee. Okay? So one party delivers something to the other party for some purposes. The purpose can be to use the good for the repair, for transport, for creating utility, to change the form, okay, for the safe custody. These are the purposes. Okay, so for these purposes, the goods are delivered from bailer to bailee. After the accomplishment of the purpose or the object, the goods are returned or disposed of as per the directions of the bailer. This is the contract of bailment. Here we are discussing the contract of pledge. In the contract of pledge, also, a party delivers some goods to the other party. The party who is delivering the goods will be known as pledger or pawner, and the party to whom the goods are delivered will be known as pawnee or pledgee. Same contract bailment ka jaisa tha, ek party kisi party ko kuch deliver karti hai, party jo deliver karti hai use pawner kaha jata hai, pledger kaha jata hai, aur wo party jise deliver kiya jayega use pawnee kaha jayega, pledgee kaha jayega. Clear hai? Hum yahan pe goods ko deliver karenge to ye bailment se alag kyun hua? बेलमेंट से अलग ही इसलिए हुआ क्योंकि बेलमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे. हमने गुड्स को यूज़ करने दिया, हमने गुड्स को रिपेयर करने दिया, हमने गुड्स को फॉर्मेशन चेंज करने के लिए दिया, हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए दिया. बहुत सारे पर्पसेस थे. हमने गुड्स को सेफ रखने के लिए डिपॉजिट करवाया था. लेकिन यहाँ आपका सिर्फ एक ही पर्पस है. वो क्या है? आपको अपने गुड्स को बेल करना है एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और लोन और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. आपका जो परफॉर्मेंस ड्यू है, आपका जो डेट ड्यू चल रहा है, जो उधार आपने लिया है, जो क्रेडिट आपने लिया है, उनका पेमेंट कर दोगे तो अपने गुड्स को वापस लेकर आ जाओगे. आपने एज ए सिक्योरिटी अपने गुड्स को किसी को डिलीवर किया है. वो गुड्स कौन से गुड्स हैं? मूवेबल गुड्स. एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट में भी हम कौन से गुड्स डिलीवर करते हैं? मूवेबल. यहाँ पे भी कौन से गुड्स डिलीवर करेंगे? मूवेबल. अगर आप इमूवेबल गुड्स को सिक्योरिटी पे रखते हैं तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है. लेकिन अगर आप मूवेबल गुड्स को सिक्योरिटी पे रखते हैं तो उसे प्लेज्ड गुड्स को प्लेज्ड माना जाता है. ओके, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कवर करते हैं प्लेज को, पॉन को. सेक्शंस 172 टू सेक्शन 182, ये पूरे सेक्शंस कवर करते हैं किसको? प्लेज को, पॉन को. सेक्शंस सेक्शन 172 डिफाइंस द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्लेज ऑफ पॉन. आपने क्या किया? बेलमेंट किया गुड्स का, लेकिन पर्पज़ क्या था? सिक्योरिटी के तौर पर रखना. किसके बदले? या तो आपने किसी से कोई डेप लिया है या कोई प्रॉमिस आपका ड्यू चल रहा है, तो उनके परफॉर्मेंस के, उनके पेमेंट के बदले में आपने सिक्योरिटी पे अगर जो गुड्स रखे हैं, डिलीवर किए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? प्लेज कहा जाता है, पॉन कहा जाता है. प्लेज इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द प्लेजर टू द प्लेजी. द पार्टी हु इज डिलीवरिंग विल बी नोन एज प्लेजर और पॉनर, एंड द पार्टी टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स मिल रहे हैं एज ए सिक्योरिटी जो अपने पास रखेगा, उसे क्या कहा जाएगा? पॉनी कहा जाएगा, प्लेजी कहा जाएगा. By way of security upon a contract that they shall, when the debt is discharged or promise is performed, be returned or otherwise be disposed of according to the direction of the pledger. जो direction मिलेंगे pledger से, या फिर अगर आपको आपका loan, जो पैसा आपने उधार दिया था वो मिल चुका है, जो performance due थी वो हो चुकी है, यानी जो promise due था वो perform हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? जो security के तौर पर उन्होंने goods आपको deliver किए थे, आप उनको return कर देंगे, या फिर उनके directions के according उनको dispose of कर देंगे. किसी और को deliver करना तो किसी और को deliver कर देंगे. इन द बेलमेंट ऑफ प्लेज देर आर टू पार्टीज, प्लेजर पॉनर, प्लेजी एंड पॉनी. जो पार्टी डिलीवर करेगी वो प्लेजर कहलाएगी, और जिसे डिलीवर किया जाएगा, जो अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखेगा, वो क्या कहलाएगी? प्लेजी कहलाएगी या पॉनी कहलाएगी. नेक्स्ट असेंशियल्स. नंबर वन, बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी. हमने पढ़ा कि एक तरह का बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही है प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पर्पज सिर्फ एक ही है, सिक्योरिटी के तौर पर रखना, और वहाँ पर आपके बहुत सारे अलग अलग पर्पजेज थे. तो बेसिकली ये बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है जो सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है. नेक्स्ट गुड्स. यहाँ पे भी वही चीज़ है. अब कौन से गुड्स को डिलीवर करेंगे? वो गुड्स जो मूवेबल होंगे, जिन्हें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एज अ गुड डिफाइन किया गया है. मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ही गुड्स माना जाता है, कैश को, एक्शनेबल क्लेम को इनमें काउंट नहीं किया जाता है. और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए, फ्यूचर या कॉन्टिजेंट गुड्स नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स. ये गुड्स जो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए,
फ्यूचर गुड्स या कॉन्टिजेंट गुड्स को जो आपकी ओनरशिप में, जो आपकी टाइटलशिप में नहीं है या फिर जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो गुड्स को हम डिलीवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी करना ज़रूरी है, जैसे कि हमने बेलमेंट में पढ़ा था कि अगर गुड्स को डिलीवर नहीं किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा बेलमेंट का। यहाँ पे भी सेम असेंशियल एलिमेंट है कि जब तक आप डिलीवर नहीं करते हैं गुड्स को, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट, पॉन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। डिलीवरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही वो डिलीवरी दी जाती है प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में। पजेशन, हम किसको ट्रांसफ़र करते हैं, हमने ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया है, हमने पजेशन, कस्टडी दी है, पजेशन दिया है, जैसे कि हम बेलमेंट में देते थे। लेकिन अगर आपने अपने डेट को डिस्चार्ज नहीं किया, अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया, तो ओनरशिप उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट था, कुछ कंडीशनल इंटरेस्ट किसको ट्रांसफ़र हो जाता है, पॉनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। और लास्ट है प्रायोरिटी ऑफ क्लेम, आपने अगर किसी से लोन लिया है तो आपका क्रेडिटर बन जाता है, आप उसके डेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो पॉनी है, आपका जो प्लेजी है, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्रेडिटर है। अगर कभी आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे या किसी भी केस में जो सिक्योरिटी आपने रखी है उस पर सबसे पहले क्लेम करने के का राइट किसके पास होगा, पॉनी के पास में, यानी उसके पास प्रायोरिटी होगी क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है। नेक्स्ट, बाकी सारे क्रेडिटर से पहले भी राइट होगा आपके पॉनी के पास में, आपके प्लेजी के पास में, उस सिक्योरिटी पे क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट है राइट ऑफ पॉनी और प्लेजी, क्या क्या राइट्स होते हैं पॉनी। अब देखो एक एग्जांपल से थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए, आप बार बार कंफ्यूज होते जाओगे वरना, कि पॉनी कौन होता है, पॉनर कौन होता है, प्लेजी कौन होता है, प्लेजर कौन होता है। तो यहाँ एक एग्जांपल अपने दिमाग में सोच के रखो, हम बात कर रहे हैं एक पार्टी ए और बैंक के बारे में। ए ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक क्या है, पॉनी है, ए क्या है, पॉनर है। यहाँ पे हम राइट्स, जिनके राइट्स की बात कर रहे हैं वो बैंक है। सबसे पहला, टू रिटेन द गुड्स। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, डेब्ट का पेमेंट नहीं करते हैं, प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, तो बैंक के पास राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके, आपके गुड्स को रिटेन करके, रिटेन करने का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि बेलमेंट में भी आपके पास ये राइट होता है कि आप लीन का राइट आपके पास होता है कि प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं, गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, टू रिटेन प्रॉफिट। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई जो काव वाला एग्जांपल हमने बेलमेंट पढ़ा था कि आपने किसी को अपनी गाय कस्टडी के लिए दी थी और उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तो उस गाय को एक काफ हो जाता है, बछड़ा हो जाता है, तो अब उस पे राइट किसका है, उस पे ओनरशिप किसकी है, उस पे बेलर की थी, तो यहाँ पे भी ओनरशिप किसकी है, उसकी प्लेजर की है, ठीक है, पॉनर की है। लेकिन अगर आप अपने डेब्ट को डिस्चार्ज नहीं करते हैं तब तक जो पॉनी है, जो प्लेजी है, वो उस चीज़ को, यानी वो इस प्रॉफिट को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। नेक्स्ट है, टू रिटेन गुड्स फॉर सबसिक्वेंट एडवांसेस। अगर आपने एडवांसेस लिए, यानी जो लोन लिया है, एक बार एक लोन लिया 2010 में, फिर एक लोन लिया 2012 में, फिर एक लोन लिया 2014 में, ठीक है, आपने सिक्योरिटी दी थी 2010 में कि ये वाला लोन मैं ले रहा हूँ, इसके बदले मैंने एज ए सिक्योरिटी कोई गोल्ड रिंग है या गोल्ड ऑर्नामेंट्स है जो मैंने रख दिए, ठीक है। अब मैंने उसके बाद जो सबसिक्वेंट एडवांसेस लिए, जो सबसिक्वेंट लोन्स लिए, उनके पास, पॉनी के पास ये राइट है कि वो उन सबसिक्वेंट एडवांसेस, सबसिक्वेंट लोन्स के लिए भी मेरी सिक्योरिटी को, यानी जो पैसा, जो ऑर्नामेंट मैंने दिया था, उसे अपने पास रिटेन करके रख सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, ऐसा ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स नहीं लिखे गए कि मैं जो सिक्योरिटी दे रहा हूँ वो इसी लोन के लिए, इसी डेब्ट के लिए दे रहा हूँ, तो फिर पॉनी के पास ये राइट रहेगा कि सबसिक्वेंट एडवांसेस या सबसिक्वेंट लोन्स के लिए भी वो मेरी सिक्योरिटी को रिटेन करके रख पाएगा। मैंने 2010 का जो लोन लिया था वो तो डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन 12 और 14 वाला मेरा ड्यू चल रहा है, तो फिर मेरी सिक्योरिटी को जो 2010 में मैंने दी थी और मैंने उनसे नहीं ली थी, मैंने उसे रिडीम नहीं करवाया था, तो 12 और 14 वाले लोन के लिए भी उसे रिटेन करके रख सकता है पॉनी। नेक्स्ट है, टू रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। हम अपने डेब्ट के लिए, डेब्ट के इंटरेस्ट के लिए, नेसेसरी लोन्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं। मैंने आपको जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, प्लस मैंने जो नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं उनके लिए मैं आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकती हूँ। एक डिफरेंस ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए मैं आप पे क्लेम कर सकती हूँ, उन एक्सपेंसेस को आपसे रीइंबर्स्ड करवा सकती हूँ, कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके नहीं रख सकती हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपसे लेने का मेरे पास राइट है, लेकिन उसके बदले आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन करने का राइट मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई पेरिशेबल गुड्स थे, आपके पास बहुत सारा स्टॉक था जो आपने ऐसे सिक्योरिटी मेरे पास रखवाया था, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, क्योंकि अगर मैं पेस्टिसाइड्स नहीं डलवाती उस उन गुड्स में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको पोजेशन में रखने के लिए मैंने जो भी खर्चा किया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर मैंने किए हैं तो मैं आपसे लेने का राइट रखती हूँ, लेकिन उन एक्सपेंसेस के लिए आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी गुड्स को रिटेन करने का राइट मेरे पास, पॉनी के पास नहीं है। टू सू अगेंस्ट द पॉनर, आप क्या कर सकते हैं, अगर अब ये जो नेक्स्ट राइट्स है वो उन कंडीशन में है जब पॉनर एट डिफॉल्ट, उसने कोई फॉल्ट कर दिया वो, या फिर एट डिफॉल्ट आ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, टू सू अगेंस्ट द पॉनर, सबसे पहला राइट आपके पास है कि आप उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे, सू करेंगे। देन टू सेल द गुड्स, और आप क्या करेंगे, वो गुड्स जो उन्होंने एज ए सिक्योरिटी आपके पास रखवाए थे, आप उनको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। लेकिन इसके लिए साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि सेल करने से पहले आपको एक रिजनेबल नोटिस देना पड़ेगा पॉनर को कि आप उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास राइट है। बेलमेंट में और प्लेज में यही डिफरेंस है कि बेलमेंट में आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ कर सकते हैं, वहाँ आपके पास राइट है, आप रिटेन कर सकते हैं, यहाँ आप रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करने के बाद फिर भी अगर वो आपके लोन को रीपे नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी को, आप उनके गुड्स को सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिकवर द बैलेंस। अगर ऐसा होता है कि उनको उनकी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो प्रोसीडिंग्स आपके पास आती है उससे आपका लोन पूरा पे नहीं हो पा रहा, एग्जाम्पल के लिए लोन लिया था 1 लाख का, लेकिन प्रॉपर्टी सेल करने से उसकी जो प्रोसीडिंग आई वो आपके पास आई 80,000, तो जो बैलेंस अमाउंट है 20,000 वो आपके पास राइट होता है पॉनर से लेने का, प्लेजर से लेने का। देन है टू एन्जॉय गुड टाइटल टू द गुड्स प्लेज्ड। अगर ऐसा गुड जो आपको एज ए सिक्योरिटी मिला है उस गुड पे, अगर उसकी उसकी टाइटल में कोई डिफेक्ट है, यानी जिस पॉनर ने, जिस प्लेजर ने आपको एज ए सिक्योरिटी उस गुड को दिया है, उसके पास उसकी टाइटलशिप नहीं है, उसने चोरी का सामान रखवा दिया आपके पास गिरवी, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो राइट्स होंगे वो एज इट इज़ बने रहेंगे, क्योंकि आपने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को, उस गुड को एक्सेप्ट किया था एज ए सिक्योरिटी, तो आपके पास जो राइट्स है वो एज इट इज़ बने रहेंगे, उस पर आपका गुड टाइटल होगा। किसका? पॉनी का गुड टाइटल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स ऑफ द पॉनर और प्लेजर। प्लेजर कौन है इन केस ऑफ ए और बैंक? ए कौन है? पॉनर है, और प्लेजर है। तो उसके पास, जिसने लोन लिया था, उसके पास क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहला टू गेट बैक द गुड्स। अगर मैंने पेमेंट कर दिया लोन का, अगर मैंने परफॉर्मेंस कर दी, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उन गुड्स को वापस ले सकती हूँ। नंबर टू, टू रिडीम द गुड्स, या फिर अगर मैंने डिफॉल्ट किया था, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट करने के बाद अगर मैंने उनको पेमेंट कर दिया, तो फिर मेरे पास ये राइट होगा कि मैं उस प्रॉपर्टी को, उस गुड को उनसे रिडीम करवा लूँगी, उनसे ले लूँगी, लेकिन बिफोर द सेल ऑफ दैट गुड्स और प्रॉपर्टी। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, उसके बाद में आप उनको रिडीम नहीं करवा पाएंगे। आप रिडीम करवा सकते हैं सबसिक्वेंट टाइम में, कभी भी उनको रिडीम करवा सकते हैं। 11 महीने का टाइम था आपके पास कि 11 महीने में आपको लोन को पेमेंट करना है, लोन का डेब्ट को पे करना है। आपने 11 महीने में नहीं किया, तो 11 महीने के बाद जो सबसिक्वेंट टाइम है उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेके आ सकते हैं, गुड्स को लेके आ सकते हैं, जो पैसा आपने लिया था, जो डेब्ट आपने लिया था उसको पे करके, लेकिन सेल से पहले, सेल के बाद में आप रिडीम नहीं करवा सकते हैं। टू टेक केयर एंड प्रिजर्व द गुड्स। इसके अलावा आप डिमांड कर सकते हैं पॉनर से कि वो आपकी प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रखे, जो गुड्स आपने डिलीवर किए उनका अच्छे से ध्यान रखे। अगर वो ध्यान नहीं रखते तो आप उन पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर पेरिशेबल गुड्स है तो पेस्टिसाइड्स की अगर उनमें ज़रूरत है, अगर वो नहीं डलवाते हैं और केयरलेसनेस दिखाते हैं, उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं करते, पोजेशन अच्छे से नहीं रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पे क्लेम कर सकते हैं। टू रिसीव इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ काउ, गाय आपने रखी उसको काफ हुआ, वो प्रॉफिट था, तो आप उस प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, उसको वापस उस प्रॉफिट को पाने के लिए उन पे क्लेम कर सकते हैं, अगर वो आपको देने से मना कर देते हैं तो। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट पे राइट किसका है, उस प्रॉफिट पे राइट है पॉनर का। एग्जांपल, क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने अपने शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं, जो डिलीवरी थी उन्होंने जो डिलीवर किए गुड्स आपको, डिलीवरी कैसे हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, सिंबलिक हो सकती है, अटोनमेंट हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो होती है, तो जो गुड्स आपको आपने डिलीवर किए थे उन गुड्स पे कोई प्रॉफिट क्या हो सकता है, शेयर्स आपने डिलीवर किए, बैंक के पास शेयर्स के पेपर रखवाए, ठीक है, अब उन शेयर्स पे जो कंपनी है उन्होंने बोनस शेयर्स दिए हैं, उन पर डिविडेंड दिया है, तो बैंक उनको अपने पोजेशन में तो रख सकती है, लेकिन उस पर ओनरशिप किसकी होती है, उसको रिटेन करके रख सकती है, लेकिन उस पर ओनरशिप किसकी है, पॉनर की है। नेक्स्ट बात करते हैं टू एक्सरसाइज राइट्स ऑफ द डेटर। हमने बात की थी कि पॉनी होता है क्रेडिटर, पॉनर होता है डेटर, तो डेटर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट क्रेडिटर। किसी भी लॉ में, जो हमारे लैंड में कोई भी लॉ माना जाता है, किसी भी लॉ के अंडर डेटर को जो राइट्स मिलते हैं उन राइट्स को कौन यूज़ कर सकता है, पॉनर या प्लेजर उन राइट्स को यूज़ कर सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी और प्लेजी। यहाँ पे हम बैंक की ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। टू टेक केयर ऑफ़ द गुड्स, एज आई टोल्ड यू, कि डिमांड कर सकता है प्लेजर कि आपने उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा, तो क्लेम कर देगा आप पे। इसीलिए आपको उनकी प्रॉपर्टी का, जो गुड्स उन्होंने एज ए सिक्योरिटी आपके पास रखे हैं, उन गुड्स का ध्यान रखना, उनको प्रिजर्व करना, उनका पोजेशन अच्छे से अपने पास रखना, ये ड्यूटी होती है प्लेजी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या ड्यूटी है, नॉट टू यूज़ द गुड्स प्लेज्ड। ये डिफरेंस है बेलमेंट और प्लेज का। वो क्या, बेलमेंट में अगर पर्पज था यूज़ करना, मैंने अपनी अपने नोट्स अपना पेन आपको यूज़ करने दिया, आप यूज़ कर सकेंगे, लेकिन अगर मैंने वही चीज़ गिरवी रखी है आपके पास में, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट टू मिक्स द, ये सारे वो ड्यूटीज़ है जो हमने बेली की ड्यूटीज़ पढ़ी थी बेलमेंट के चैप्टर में, वही सब है। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करना, उसका दूसरा कोई ऐसा अनऑथोराइज यूज़ ना लेना। टू रिटर्न द गुड्स, आप क्या करेंगे, अगर उन्होंने आपके डेट को डिस्चार्ज कर दिया है, तो आप उस गुड्स को रिटर्न, उस सिक्योरिटी को रिटर्न कर देंगे। टू रिटर्न द इंक्रीज और प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ वो भी रिटर्न कर देंगे। टू गिव नोटिस बिफोर द सेल ऑफ गुड्स, एज आई टोल्ड यू, आप बेच तो सकते हैं, सेल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रीजनेबल नोटिस देना ज़रूरी है, किसको, पॉनर को। टू पे द सरप्लस ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, हमने कहा था कि अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो जो पॉनी है प्लेजी है वो पॉनर से ले सकता है। 1,00,000 का लोन था, 80,000 प्रोसीडिंग आया, तो आप 20,000 जो बैलेंस था वो ले सकते हैं किससे, पॉनर से। लेकिन अगर 1,00,000 का लोन था और जो सिक्योरिटी आपने सेल करी उससे आपको 1,20,000 अमाउंट मिल गया, अब जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस 20,000 आया था उस पर राइट किसका है, उस पर राइट है पॉनर का यानी प्लेजर का, तो आप उन्हें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस सरप्लस को। टू एक्ट इन गुड फेथ एंड मस्ट नॉट एक्सेप्ट गुड्स ऑन प्लेज इफ ही हैज़ नॉलेज दैट द पॉनर हैज़ ऑब्टेन द गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे पता होता है कि जो गुड्स आप मुझे सिक्योरिटी पर रखवा रहे हैं वो स्टोलन गुड्स हैं, उन पर आपका टाइटल नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल है, तो मैं मना कर सकती हूँ वो लेने से, और आपके साथ एज इन गुड फेथ मैं डील करूँगी। ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनर एंड प्लेजर, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो ये है कि पॉनर की क्या ड्यूटीज़ है, यानी जो ए था जिसने लोन लिया था बैंक से 1,00,000 का, उसकी क्या ड्यूटीज़ थी। टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स प्लेज्ड, हमने बेलर्स की ड्यूटीज़ भी यही पढ़ी थी कि अगर बेलर को पता होता है गुड्स में कुछ डिफेक्ट है तो उसे बताना चाहिए, अगर वो नहीं बताता और उसे कुछ नुकसान हो जाता है, किसको, बेली को यानी यहाँ पॉनी को, तो आप क्लेम कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो अगर कोई डिफेक्ट है गुड्स में तो उनको बता देंगे, किसको, बेली पॉनी को। नेक्स्ट है टू पे द डेट इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस और परफॉर्म द प्रॉमिस एट द टाइम स्पेसिफाइड स्टिप्यूलेटेड। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्या पे करेंगे, उनका लोन डेट पे करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट पे करेंगे, नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस बनते हैं वो एक्सपेंसेस पे करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आएंगे। नेक्स्ट है टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इसके अलावा नेसेसरी एक्सपेंसेस के अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी आप उन्हें पे करेंगे। नेक्स्ट है टू रिडीम द गुड्स प्लेज्ड बिफोर सेल। मैंने आपको कहा था कि आप रिडीम करके लेके आ सकते हैं बैंक से, जो आपने सिक्योरिटी रखवाई थी बैंक के पास में, अगर आप डिफॉल्ट भी कर देते हैं 1 महीने के बाद, 11 महीने का टाइम था, 12 महीने के बाद आपने अपनी जो लोन था उसको पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, आप क्या करते थे, प्रॉपर्टी को रिडीम करवा के ले आएंगे। नेक्स्ट टू पे, लेकिन वो सेल से पहले, टू पे एडिशनल एक्सपेंसेस विच अराइज फ्रॉम इन डिफॉल्ट इन डिलेड पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ गुड्स। 11 महीने का टाइम था, आपने जो 12वां महीना था उसमें पेमेंट किया, तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है या जो एडिशनल कोई एक्सपेंसेस अगर हो गए हैं बैंक के, वो एडिशनल एक्सपेंसेस देंगे तभी आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो आप बैंक आपसे क्या डिमांड कर सकती है, पहले तो हमारा लोन चुकाओ, फिर उस पर इंटरेस्ट दो, फिर उस पर नेसेसरी एक्सपेंसेस दो, फिर उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दो, और अगर आपके डिलेड पेमेंट की वजह से हमने कोई एडिशनल एक्सपेंसेस उस पर किए हैं तो वो भी हमें आप दोगे, पे करोगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी आपको दोबारा मिलेगी। Then to pay the balance of debt, interest and other charges if the proceeds of the sale of goods pledged are less than the amount due in respect of the debt or promise. As I told you, अगर कोई balance रह जाता है 80,000 ही अगर proceeding आता है, तो जो 20,000 का balance है आपकी duty है, आप किसको pay करोगे, बेली को pay करोगे, यानी जो bank है उसको pay करोगे। ये duties होती है एक ही, यानी पॉनर की यानी pledger की। I hope आपको ये topic clear है। Next video में हम agency को पढ़ेंगे। Thank you so much.